हाय एवरीवन, माय नेम इज स्मिता मिंज। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज करिकुलम। ये बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है जो हमारा करिकुलम एंड नॉलेज। तो करिकुलम एंड नॉलेज है तो दो चीज़ों के बारे में देखनी होगी, एक तो कि करिकुलम क्या होता है एंड सेकेंड नॉलेज क्या होता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम, डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ करिकुलम। तो पहले मैं बता दूं कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलम जो है, मान लीजिए आपने बीएड में एडमिशन लिया तो आप लोगों को जो चीज़ें पता चली कि ये सब्जेक्ट्स, ये चीज़ें जो है बीएड में कवर होती है, ये आप लोगों को करिकुलम से पता चला। अब कुछ लोग कहते हैं कि करिकुलम एंड सिलेबस सेम है, तो सेम नहीं है। सिलेबस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट्स के अंदर की भी डिटेलिंग्स दी गई होती है, यानी कि ये सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे, क्या क्या टॉपिक्स रहेगा, उसकी जो डिटेलिंग होती है ना वो होता है सिलेबस। और जो एक आउटलाइन होता है कि हाँ, अगर मतलब बीएड का कोर्स है या इंजीनियरिंग का कोर्स है या मेडिकल कोर्स है, कुछ भी कोर्स है, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स जो हमको कवर करने होते हैं उसकी जानकारी जो हमको मिलती है वो हमें मिलती है करिकुलम से। तो ये था करिकुलम और सिलेबस कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। एक आउटलाइन जो रहेगा वो करिकुलम रहेगा और उस आउटलाइंस की जो डिटेलिंग रहेगी वो सिलेबस रहेगा। तो पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है, एंड करिकुलम का मतलब जो एग्जैक्ट जो प्रॉपर उसका मीनिंग होता है वो है रेस कोर्स। अब रेस कोर्स से हम क्या समझ सकते हैं, यानी कि एक कोर्स जो कि रन किया जाए किसी इंस्टीट्यूशन में जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को या उस कोर्स के ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके या हासिल कर सके। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल, इन दैट द मीनिंग ऑफ कोर्स इज करिकुलम। जो कोर्स है उसका मतलब करिकुलम, एंड रेस का मतलब होता है, रेस मीन्स हाउ द स्टूडेंट्स अचीव देयर गोल थ्रू करिकुलम। करिकुलम की सहायता से कैसे स्टूडेंट्स एजुकेशन के उस या उस कोर्स का जो गोल है उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, प्रॉपर वर्ड होता है रेस कोर्स। और रेस कोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कोर्स किसी इंस्टीट्यूशन में चलाया जाता है ताकि बच्चे किसी एजुकेशन के गोल को अचीव कर सके। और ये टीचरों के लिए हेल्पफुल रहता है। यहाँ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द टीचर द करिकुलम गिव्स अ राइट पाथ फ्रॉम विच द टीचर कैन टीच इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि करिकुलम मार्गदर्शन करता है किनका, टीचर्स का। टीचर्स को बताता है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ानी है, पहला तो ये चीज़ बताएगा और दूसरा ये कि किस ऑर्डर में पढ़ाना है। और एक सिस्टमेटिक एक कंटेंट टीचर्स के पास अवेलेबल रहता है किसके थ्रू, करिकुलम के थ्रू, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स की भी हेल्प होती है, स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर गोल्स ईजली। लास्ट लाइन यहाँ लिखी हुई है द नेचर ऑफ करिकुलम इज फ्लेक्सिबल, इट ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो करिकुलम है वो परिवर्तनशील रहता है, ऐसा नहीं कि किसी कोर्स का कोई जो करिकुलम है वो 15 साल पहले बना था और आज तक भी वही चल रहा है। बहुत कम, काफ़ी समय बाद चेंजेस होते हैं, अपडेशंस होते हैं करिकुलम पर होते ज़रूर हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों को पढ़ते रहने से कोई मतलब नहीं है। पुरानी चीज़ें हालांकि काम तो आती है, पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम न्यू चीज़ें भी उसमें ऐड करते जाएँ, अपने करिकुलम को अपडेट करते जाएँ। पता चला हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, न्यू थ्योरीज आ गई हैं, न्यू प्रिंसिपल्स आ गए, पर अभी तक उन चीज़ों को या कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नई चीज़ों की खोज हुई है, उसको हम अपने करिकुलम में ऐड ही नहीं कर पाए हैं। तो करिकुलम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा अगर हम पुराने ही तरीके से चलते रहें तो। इसलिए उसमें अपडेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको डायनामिक कहा गया है या फ्लेक्सिबल कहा गया। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम समय के साथ एडजस्ट कर सके, चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। डेफिनेशंस दो लोगों की यहाँ पे दी हुई है, कनिंगम की एंड मुंड्रो की। तो जो भी आपको इजी लगे डेफिनेशन, जो भी परिभाषा आप इंटरनेट में और सर्च कर सकते हैं, या तो आपको ये इजी लगे या तो आपको किन्हीं और लेखकों की अच्छी लगे तो आप वो ऐड कर सकते हैं और मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा या डेफिनेशंस होती है इनमें आप लोग अपनी मर्जी से फेरबदल नहीं कर सकते, जो वर्ड्स है एग्जैक्ट आपको वैसे ही लिखने होते हैं। तो पहला डेफिनेशन है
करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट यानी कि कौन हो गया? टीचर. तो करिकुलम को एक टूल कहा गया है एक टीचर के हाथ में, जिसके थ्रू वो अपने जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मोल्ड कर सके या उनको मार्गदर्शन कर सके. यहाँ लिखा हुआ है टू मोल्ड हिज मटेरियल, और मटेरियल के ब्रैकेट में लिखा है पीपल्स, मतलब जो बच्चे हैं उनको अपने अकॉर्डिंग या सिलेब जो करिकुलम है उनका उसके अकॉर्डिंग वो मोल्ड कर सके अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज, यानी कि आइडियाज यानी कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशन का उसके अकॉर्डिंग इन हिज स्टूडियो यानी कि स्कूल में. स्टूडियो को स्कूल कहा गया है. ठीक है, तो एक टूल बताया गया है करिकुलम को टीचर के हाथ में, जिसके थ्रू वो बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि वो एक एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. नेक्स्ट डेफिनेशन है करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन. यानी कि करिकुलम में वो सारी गतिविधियाँ, वो सारे कार्यक्रम, वो सारी एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स इंक्लूडेड रहते हैं यानी कि शामिल रहते हैं, जिसका के इस्तेमाल करके या जिसका यूटिलाइज करके एक इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशन के एम को अटेन करने में अटेन कर सकता है. ठीक है, और स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है. तो करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल्स टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम. कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है करिकुलम इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस. ये हम देख रहे हैं विशेषताएं. कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में विशेषताएं कहते हैं. तो करिकुलम इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस क्यों कहा गया है? क्योंकि करिकुलम जो है इतनी वास्ट चीज है कि उसको कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता या नहीं डिसाइड कर सकता. कोई एक ही जन को हम बोले कि आप जो है इसका इस कोर्स का करिकुलम बना करके दीजिए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. एक करिकुलम को बनाने के लिए लोगों का एक ग्रुप चाहिए, कुछ लोगों की टीम चाहिए जो कि तो उस टॉपिक पे विचार विमर्श करे, जो करंट सिचुएशन चल रहा है, करंट ट्रेंड चल रहा है, वो अपने अपने थॉट्स दे सके कि क्या क्या चीज़ें पहले क्या क्या चीज़ें थी और अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नई चीज़ें हैं जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं. तो इन सब डिस्कशन के लिए हमको एक से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, इसलिए अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस से मिल करके एक करिकुलम बनता है, इसीलिए इसको सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस कहा गया है. नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम इज़ अ मीन्स टू अचीव सम एंड. अचीव सम एंड मतलब कि किसी कोर्स का कोई एम तो रहता है. हम बीएड कर रहे हैं तो इसका क्या एम है कि इसके थ्रू हम टीचर बन सकते हैं कहीं पे, चाहे तो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन ही खोल सकते हैं या ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, जो भी. तो हर चीज़ को करने के पीछे एक एम होता है, एक गोल होता है या एक उद्देश्य होता है. तो उस गोल को प्रॉपर तरीके से अचीव करने में हमारी हेल्प कौन करता है? करिकुलम जो है हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि करिकुलम के थ्रू सारी चीज़ें हमें क्लियर रहती है कि हाँ इस कोर्स में हमें इस चीज़ की जानकारी लेनी है, मतलब लेनी है, तभी हम उसके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम इज एन एंटायर प्रोग्राम ऑफ स्कूल वर्क. जो स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं या क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है करवाई जानी है या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें करिकुलम में ऐड होनी ही चाहिए. यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द एंटायर वर्क ऑफ स्कूल आर इंक्लूडेड इन अ करिकुलम, नॉट ओनली सम सब्जेक्ट्स बट अदर देन दैट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल कम्स अंडर द करिकुलम. सिर्फ सब्जेक्ट्स की जानकारी ही नहीं देता कि बीएड में आ गए हो, ये सब्जेक्ट पढ़ लेना, सिर्फ इतना ही लिख के वो करिकुलम में नहीं छोड़ देगा या इतनी ही चीज़ों की जानकारी बता के नहीं छोड़ देगा. वो आपको ये भी बताएगा अगर आपको कहीं इंटर्नशिप करनी है उसके बारे में जानकारी देगा, आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कहीं कैंपेन में जाना है, आपको कोई फील्ड वर्क करना है, आपको कोई प्रैक्टिकल करना है, आपको कुछ स्पोर्ट्स वगैरह करना है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी है, हर एक चीज़ की जानकारी जो है करिकुलम में ऐड होती है, इसलिए इसको एंटायर प्रोग्राम ऑफ स्कूल वर्क कहा गया है. नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. यानी कि करिकुलम के थ्रू किसी चिल्ड्रन का ऑलराउंड डेवलपमेंट या उसका होल डेवलपमेंट हो सकता है, या उसकी पर्सनैलिटी को हम कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं.
क्योंकि करिकुलम डेवलप्स अवर कैरेक्टर अवर पर्सनैलिटी नेचर एंड एवरीथिंग इन अ करिकुलम ऑल द एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड. सब्जेक्ट्स के साथ साथ और भी कई एक्टिविटीज़ जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को अभी बताया सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती है. ये सारी सब्जेक्ट से उसको नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक्टिविटीज़ से भी उसका नॉलेज बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, अलग अलग चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करेगा, अलग अलग चीज़ों में वो हिस्सा लेगा, तो उसका जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार ज़रूर आएगा और ये उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. इसीलिए इसको कहा गया है कि करिकुलम हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है हेल्पफुल फॉर टीचर्स. हेल्पफुल फॉर टीचर्स मतलब टीचर्स को अगर आपने कह दिया सिर्फ कि बीएड का ये कोर्स है, 2 साल तक आपको कुछ पढ़ाना है और ये उनको पता ही नहीं है कि 2 साल पढ़ाना तो है पर पढ़ाना क्या है, तो क्या वो आपकी हेल्प कर पाएगा कि आप उस अपने एम को अचीव कर सको? हेल्प नहीं कर पाएंगे. और अगर करिकुलम उनको दे दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि ये 2 साल का कोर्स है, इसमें ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने हैं, तो टीचर के लिए वो बहुत इजी हो पाएगा कि वो अपना वर्क अच्छे से कर सके, प्रॉपर वे में आपको चीज़ें सिखा सके और आपके लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो जाएगा कि वो किस तरीके से अपने जो गोल है उसको अचीव कर सके. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी एंड द स्कूल करिकुलम. सोसाइटी और करिकुलम को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कहा गया, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये, ऐसा कहा गया. अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर करिकुलम अच्छा होगा तो एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड होगी. एजुकेशन अच्छा देंगे तो जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा और जब उनका पर्सनैलिटी अच्छा होगा, उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन अच्छे से होगा, तो वो एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति, एक अच्छे सोशल बीइंग वो बन पाएंगे. और जब वो अच्छे सामाजिक व्यक्ति बन पाएंगे, समाज में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी भी जो है हमारी वो डेवलप करेगी और ग्रो करेगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोसाइटी एंड करिकुलम आर इंटर रिलेटेड बिकॉज इफ द कंटेंट ऑफ करिकुलम विल बी गुड सो अवर एजुकेशन सिस्टम विल बी गुड. करिकुलम अच्छा होगा तो एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होगा, विल बी गुड बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग गेट्स डेवलप, तभी सब चीज़ों की उन्नति या डेवलपमेंट हो पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है करिकुलम इज डायनामिक. डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मतलब अपनी तरीके से हम अपने अनुसार उसको मोल्ड कर सकते हैं, वो रिजिड नहीं होता कि उसमें कभी कुछ परिवर्तन ही ना हो पाए. डायनामिक मतलब ही परिवर्तनशील, क्योंकि मैंने पहले भी बताया समय के साथ, अब बहुत जल्दी जल्दी तो चेंजेस नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है, पर जब भी रिक्वायरमेंट लगे कि हाँ कुछ नई चीज़ें आई हैं, अब उस जो पहले का करिकुलम है उसमें कुछ न्यू चीज़ हमको ऐड करना है, तो वो करना ज़रूरी है या वो करना ही रहता है, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वालिटी कंटेंट हम जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके. तो करिकुलम इज़ डायनामिक इन नेचर. नेक्स्ट हम देखते हैं नीड ऑफ करिकुलम. नीड ऑफ करिकुलम मतलब करिकुलम की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ह्यूमन कैन अक्वायर नॉलेज एंड अदर स्पीशीज कैन नॉट. जो ज्ञान या बुद्धि की प्राप्ति है ना, वो मनुष्य ही कर सकता है, दूसरे जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी ये सब लोग नहीं कर सकते. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग. सो मतलब एजुकेशन जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग. एजुकेशन मनुष्य के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो टू अक्वायर द करेक्ट नॉलेज करिकुलम इज़ नीडेड. अब हमको ज्ञान तो प्राप्त करना है, पर पता ही नहीं है कि किस चीज़ का ज्ञान हम लें. अगर हम किसी चीज़ में, किसी कोर्स में या किसी क्लास में एडमिशन लिए हैं, हमको पता ही ना हो कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो क्या कर पाएंगे हम? कुछ भी नहीं. तो इसीलिए कि हम जान पाए कि हमें किस किस चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना है, सीखना है, इसके लिए करिकुलम की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो हमको प्रॉपर वे में गाइड कर सके. नेक्स्ट है करिकुलम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड फॉर देयर होल डेवलपमेंट. होल डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट. ऑलराउंड में फिजिकल, मेंटल, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट आ जाएगा. अब ये होल डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा सब्जेक्ट्स तो इंक्लूड होते ही हैं, साथ में अदर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती है, तो सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो होगी ही, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, उससे भी उसका डेवलपमेंट होगा. तो ओवरऑल स्टूडेंट का डेवलपमेंट करने में करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है या करिकुलम हेल्पफुल
होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, करिकुलम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एज एंड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। करिकुलम जो है बनाया जाता है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ही उसको सेट किया जाता है। अगर कोई कम एज का बच्चा है उसके लिए हम बहुत हाई फाई करिकुलम बना दे तो वो उस चीज़ को ना सीख पाएगा, ना इंटरेस्ट ले पाएगा, ना उसको ग्रैब कर पाएगा, तो उसका कुछ उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो करिकुलम जो है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग रहता है। क्लास टू का बच्चा है तो उसका करिकुलम उसके अकॉर्डिंग, फाइव का है तो उसके अकॉर्डिंग, सिक्स का है, सेवन का, एट का है तो उनके अकॉर्डिंग, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका करिकुलम होता है। तो एज के अकॉर्डिंग करिकुलम होने से क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले पाते हैं उस चीज़ को समझने के लिए, उनका दिमाग उतना डेवलप हो चुका होता है तो वो इंटरेस्ट ले पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं चीज़ों को, अच्छे से सीख पाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और वो अपने एम को, जो भी एजुकेशनल एम है उसको अचीव कर सकते हैं। तो यही पॉइंट कहा गया है कि करिकुलम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स एज एंड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, द पेरेंट्स कैन ईजली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच टीचर टॉट देम। पेरेंट्स को भी जानने में, माता पिता को भी जानने में ईजी होता है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सारी चीज़ों की जानकारी करिकुलम के थ्रू पेरेंट्स भी ले सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पेरेंट्स जो है क्लास टेन में, चलो एडमिशन तो करवा दिए लेकिन पता ही नहीं है कि क्लास टेंथ में उसको क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या वो पढ़ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है। पर सबको नॉलेज होती है और वो नॉलेज कहाँ से होती है, करिकुलम के थ्रू ही होती है। टीचर के लिए तो हेल्पफुल होता ही होता है वो, कि टीचर अपना वर्क प्रॉपर वे में कर सकता है, स्टूडेंट अपना एम अचीव कर सकता है, और पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है करिकुलम कि वो देख सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इस कोर्स में दाखिला लिया है तो वो वहाँ क्या चीज़ें सीख रहा है उस कोर्स में। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ करिकुलम द टीचर कैन डू देयर वर्क इजली। ये वही है कि टीचर को पता रहता है प्रॉपर ऑर्डर में कि कब बच्चों को क्या सिखानी है, किसके एज के अकॉर्डिंग किसको क्या चीज़ की शिक्षा देनी है, तो उनका वर्क काफ़ी ईजी हो जाता है, उनको ज़्यादा बर्डन नहीं रहता, जिसकी वजह से वो काम अच्छे से कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन या ट्रेनिंग दे पाते हैं, जिससे कि चिल्ड्रन का भी जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, करिकुलम सेव्स द टाइम एंड एनर्जी। अब जाहिर सी बात है जब हमको चीज़ें पहले से बता दी जाएंगी, हमारे पास एक आउटलाइन तैयार होगा कि हाँ इस कोर्स में हमको इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमारा टाइम एंड एनर्जी बचेगा, हम डायरेक्ट उस चीज़ों पे अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, उस पे नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, हमको ऐसा कुछ बहुत मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती कि अरे बीएड में पता नहीं क्या होता है, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं, कहीं से बताया ही नहीं गया कि क्या चीज़ है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, मीनिंग की करिकुलम होता क्या है, डेफिनेशंस, विशेषताएँ और उसकी ज़रूरत क्या होती है। इस वीडियो में सिर्फ इतनी चीज़ें रखते हैं और बाकी की जो आगे की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के कंटेंट आप लोगों को मिलते रहें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि सबको एक अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।